खरगोन के ग्राम बड़वा ब्लॉक की करीब 24 ग्राम पंचायत क्षेत्र के 14वें वित्तीय आयोग के माध्यम से कसराव ठेकेदार दिलीप यादव द्वारा एलईडी लाइट लगाई गई है, जो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 30 नग के हिसाब से लगाई गई है। इस एलईडी लाइट लगाने का कार्य जनपद पंचायत तकनीकी स्वीकृति जारी कर किया गया है। आपको बता दें कि इस एलईडी लाइट की जनपद टीएस अनु खरगोन के बड़वा ब्लॉक की करीब 24 ग्राम पंचायत क्षेत्र में 14वें वित्तीय आयोग के माध्यम से कसराव ठेकेदार दिलीप यादव द्वारा एलईडी लाइट लगाई गई है, जो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 30 नग के हिसाब से लगाई गई है। इस एलईडी लाइट लगाने का कार्य जनपद द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी कर किया गया है। आपको बता दें कि इस एलईडी लाइट की जनपद टीएस अनुसार एक नग की कीमत 6,615 रुपये के हिसाब से होकर 2 साल की वारंटी भी है, जबकि ग्राम पंचायत सिरलाई के सचिव राकेश टटवाड़े का कहना है कि मेरी पंचायत क्षेत्रफल अधिक होने से मेरी पंचायत में 30 एलईडी लाइट लगाने के उपरांत करीब 15 एलईडी लाइट बाजार से खरीदी गई है, जिसका बाजार मूल्य मात्र 1300 रुपये, जिसकी 2 साल की वारंटी है। जब ठेकेदार दिलीप यादव से इस एलईडी के भाव का अंतर जानना चाहा तो उन्होंने विद्युत कंपनी का हवाला देकर एस्टिमेट देने की बात कही, जबकि विद्युत कंपनी के कनिष्ठ यंत्री अनिल केसरवानी का कहना है कि हमारे द्वारा अनुमानित एस्टिमेट बनाकर संबंधित को दिया गया था। जब इस मामले में प्रभारी खंड अधिकारी सियाराम कर्मा से जानकारी चाही तो उन्होंने भी विद्युत कंपनी द्वारा दिए एस्टिमेट पर टीएस जारी करने की बात कही, जबकि ग्राम पंचायत नांदिया सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम परिहार ने बताया कि मेरी पंचायत में भी इस कार्य को करने का ठेकेदार द्वारा बोला गया था, किंतु मेरी पंचायत में पूर्व में ही मेरे द्वारा बाजार से 1600 रुपये के हिसाब से 30 वाट की एलईडी लाइट लगाई गई थी। जब पंचायतों में इस कार्य को करने के आदेश के बारे में राकेश टटवाड़े से पूछा तो उन्होंने ठेकेदार और क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला द्वारा इस काम को कराने की बात कही। अब यह मामला बड़ी जाँच का विषय है कि 1300 रुपये कीमत की एलईडी लाइट किस अधिकारी या नेता के आदेश पर 6,615 रुपए के हिसाब से पंचायतों में लगाई गई है। सर ये बताएं, इसमें क्या मामला है एलईडी का जो लग रही है पंचायतों में? ये पंचायत विभाग वालों ने एक जानकारी हमसे मांगी थी कि जो ये एलईडी है ये आपके पास एसओआर में है कि नहीं, तो मैंने हमसे उनको जानकारी दिया था, ना कि कोई एस्टिमेट पास करके दिया था, क्योंकि हमारा एस्टिमेट बनाने का वो हस्तक्षेप ही नहीं है, एमपीपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनपद और ग्राम पंचायत के स्तर का कार्य है। इसमें सर जो संबंधित ठेकेदार है वो कह रहा है कि हमको एमपीबी ने बना के एस्टिमेट दिया है 7,000 कुछ रुपए का। वो एस्टिमेट नहीं है, वो एक प्रोविजनल एस्टिमेट के नाम से है, मतलब एक जानकारी है सिर्फ, इस कोडिंग हमारे पास ये मटेरियल रहता है और ऐसा ऐसी जानकारी दी गई है, मतलब इसमें कुछ भी वो नहीं है ना, इसमें कोई एमपी। कर्मा जी बताएं, ये 24 पंचायतों में एलईडी लगी है, ये क्या मामला, किसके आदेश पे लगाई गई है? ये 14 वित्त आयोग से टीएस तकनीकी स्वीकृति होकर ग्राम पंचायतों में लगी हुई। किसके आदेश पे लगी है? ये अपने जनपद पंचायत से ही आदेश हुए। ये किन्ने दिए थे आदेश? मुख्य कार्यपाधिकारी जनपद बड़वा, उन्हीं ने करे। तो ये कितनी राशि से लगी है? अब ये तो जानकारी नहीं मिली। तो ये अन्य पंचायतों में भी लगेगी क्या? और अन्य पंचायतों में भी लग सकती ना, राशि उपलब्ध हो तो लगा। इसका एस्टिमेट किसने दिया था? एस्टिमेट जनपद द्वारा मिला। क्या नाम है आपका? घनश्याम परिहार। कौन सी पंचायत देखते हैं आप? निर्मल ग्राम नांदिया। आपके यहाँ भी एलईडी वगैरह लगी है क्या, जो ठेकेदार लगवा रहे हैं? नहीं, वो वाली नहीं लगी है हमारे यहाँ, तो हमने एक साल पहले ही एलईडी हमारे गांव में पूरे लगा दिए हैं, पहले से ही लगी है। कौन सी कंपनी की लगाई है आपने, कितने वाट की है? ये 30 वाट की है। कितने की पड़ी है ये? 1600 रुपये का एक है 30 वाट का। अच्छा, और 25 नग लगे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बाकी बल्ब भी लगे हैं। तो आपको भी बोला गया था ये लगाने का? नहीं, मुझे नहीं बोला गया। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से लगी हुई है, मतलब एक साल पहले लगा दी थी। ठीक।